यदि आपका रुझान सही है तो कहीं से भी पढ़कर आप आगे निकल सकते हैं, यह कहना है पुलिस अधीक्षक मंडला दीपक कुमार शुक्ला का। मीडिया टुडे से विशेष बातचीत में उन्होंने शेयर किए अपने अनुभव। जिस एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं उसके हिसाब से तैयारी करें और उसमें सफलता हासिल करें, वही अंत में सबसे मायने रखता है। परसेंटेज का कोई नहीं रहता, सिर्फ टेंथ की जो मार्कशीट रहती है वो डेट ऑफ बर्थ निर्धारित करने के काम आती है, अब तक तो जो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। बाकी चाहे आप IIT दें, चाहे MBBS दें, चाहे UPSC दें या और भी कोई एग्जाम है, उस एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा है ये मायने रखता है, और इसके लिए सर्टेन क्वालिटीज़ हैं वो अपने में होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं तो कक्षा 5 तक मैं अपने गांव में पढ़ा हूं, उसके बाद एक छोटा सा कस्बा है देवलोद, वहां से मैंने 12वीं पास की थी और फिर मैंने IIT की तैयारी की थी। तो निश्चित तौर पर यदि आपका रुझान सही है तो आप कहीं से भी पढ़ के आगे निकल सकते हैं। छोटी से छोटी जगहों से भी बड़े बड़े लोग निकले हैं, आज कई कंपनीज के CEO और बड़े बड़े पदाधिकारी जो हैं बहुत छोटी छोटी जगहों से, यहाँ तक कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, अगर उनका आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, बहुत छोटी सी जगह से पढ़ के निकले थे। तो मेरे हिसाब से एक एटीट्यूड ज़्यादा मायने रखता है, बजाय कि आप कौन सी स्कूल में हैं। देखिए, एग्ज़ाम में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी एक एग्ज़ाम इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दें। हर किसी को जीवन में बहुत सारे एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स में आदमी अच्छा करता है, कुछ में उतना अच्छा नहीं कर पाता है, लेकिन उसे कोई परेशान होने की घबराने की बात नहीं है। हमें एक खुशनुमा माहौल में सीखने को दृष्टिगत रखते हुए, अपने नज़रियों को सकारात्मक रखते हुए एग्ज़ाम को देना चाहिए, और निश्चित तौर पर जो भी सफलता मिलती है वो हमारे कार्य के अनुरूप होती है, हमारे परिश्रम के अनुरूप होती है। तो कभी यदि सफलता कम मिली है तो हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ पर कमी रह गई, और आने वाले प्रयासों में हम उसको बेहतर करने का प्रयास करें। कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने, 10th में कम नंबर रहते हैं, 12th में कम नंबर रहते हैं, और आगे चल के वो लड़के IIT क्लियर करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो कोई भी एक एग्ज़ाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दें, और मेरा यही सुझाव रहेगा कि परिश्रम करें, परिश्रम के अनुरूप फल प्राप्त होता है। यदि हमें अपनी मर्जी के अनुरूप सफलता नहीं मिल पा रही है तो अगले प्रयास की तरफ ध्यान दें, आगे आने वाली नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी तरफ ध्यान दें, और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में आगे बढ़ते रहें। मेरी नज़रिए में जो मेरा खुद का एक अनुभव रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं मैंने, 10th 12th था, उसके बाद IIT की परीक्षा दी थी मैंने, और UPSC की भी परीक्षा 3 बार क्वालिफाई की है मैंने। तो अंत में मेरा निष्कर्ष यही निकलता है कि जो हम अंकों के पीछे भागते हैं, जो परसेंटेज के पीछे भागते हैं, उसका कोई भी औचित्य नहीं है। जो चीज़ मायने रखती है वो ये रखता है कि बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, उसमें सीखने की लगन कैसी है, अपने कार्य को कितनी गंभीरता से कर रहा है, और कितना परिश्रम करने की ललक है उसमें, ये चीज़ अंत में उसको डिफाइन करते हैं। और जिसमें ये क्वालिटीज़ हैं तो भले ही 10th 12th में नंबर हो, आगे चल के सफलता अर्जित करता है।